स्वामिनारायणः साक्षादक्षरः पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। आत्मविचार, आत्मतत्व की सत्ता वैदिक सनातन धर्म का एक विशिष्ट सिद्धांत है। आत्मसत्ता, आत्मा नाम की एक भिन्न वस्तु है। संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम यह उद्घोष भारतवर्ष में हुआ है, हमारे शास्त्रों में हुआ, वेदों में, उपनिषदों में और वैदिक वाङ्मय में, श्रीमद् भगवद् गीता में। आत्मसत्ता, आत्मा का अस्तित्व, हाँ कुछ मान्यताएं तो बहुत हैं विश्व में, कई लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, देह से भिन्न आत्मा है ही नहीं, जैसे आगे जाकर हम कभी बात करेंगे। कठोपनिषद में नचिकेता ने तृतीय वरदान के रूप में एक प्रश्न पूछा है, येयम् प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नायम् अस्ति इति चैके। यम राजा को पूछा नचिकेता ने, येयम् प्रेते विचिकित्सा लोके, प्रेते शब्द का मतलब है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु होती है, इस शरीर में से प्रयाण करता है, प्रेते तदा लोके विचिकित्सा लोके, तब इस संसार में चर्चा होती है। किस विषय में चर्चा होती है? आत्म विषय में। कुछ लोग कहते हैं अस्ति इति एके, कुछ लोग कहते हैं हाँ देह मर जाने के बाद भी आत्मा नाम की एक वस्तु नित्य है, वो रहती है, देह के मरने से आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं अस्ति इति एके, हाँ आत्मा रहती ही है। लेकिन नायम अस्ति इति चैके, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं देह मिट गया, आत्मा भी मिट गई, देह का नाश, आत्मा का विनाश। और नचिकेता ने यमराजा को कहा, आप मुझे वरदान में यह समझाइए। इस प्रश्न में बहुत सी बातें थी, उसमें से एक बात यह भी थी, आत्म तत्व के बारे में मुझे समझाइए। तब कठोपनिषद में यमराजा ने नचिकेता को जो समझाया कि आत्म तत्व नित्य है, वह देह की मृत्यु के बाद भी रहती है, न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा जो है न जायते, उसका जन्म भी नहीं, म्रियते वा उसकी मृत्यु भी नहीं, न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, आना जाना उसके लिए कुछ है ही नहीं। अजो नित्यः शाश्वतोयम् पुराणो, यह अजह अजायमान है, जन्म तो देह का होता है, देह का संयोग ही जन्म नाम से, आत्मा का जन्म नहीं है। हाँ किसी ने जन्म लिया, इसका मतलब उसकी आत्मा को देह का संबंध हुआ। अजह अजो नित्यः, आत्मा नित्य है, शाश्वतोयम् पुराणो, ये तो पुरातन है, सनातन है, शाश्वत तत्व है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस हन्यमान शरीर में रहकर भी उसका हनन हम नहीं कर सकते हैं। कितना अद्भुत शब्द, हन्यमाने शरीरे न हन्यते,
इस शरीर को हम कुछ भी कर सकते हैं, आत्म तत्व को कुछ नहीं, वो निर्विकार है, विकार मात्र शरीर में है। तो नचिकेता ने तो पूछा कि लोक में ऐसी बात होती है, कुछ कहते हैं आत्मा है, कोई कहते हैं नहीं है, तो कोई कहते हैं नहीं है, यह बात तो उपनिषद काल से चली आती है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आत्मा नित्य है। यही मंत्र जो कठोपनिषद में कहा गया न जायते म्रियते वा, वही मंत्र श्रीमद् भगवद गीता में आया न जायते म्रियते वा, वही बात सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं देखो यह देह और यह आत्मा कैसे अलग है, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं बस ठीक उसी ढंग से हमने देह को पहन कर रखी है। उदाहरण तो देखिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही। सर्व सामान्य उदाहरण देकर भगवान श्री कृष्ण देह और आत्मा की भिन्नता समझाते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, विहाय शब्द को याद रखिए, जीर्णानि वासांसि, हमारे वस्त्र जब जीर्ण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम बदल देते हैं। कितनी देर लगती है वस्त्र को बदलने में, क्या कोई दुख होता है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, हम उसको छोड़ देते हैं। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मनुष्य क्या करता है, नवानि गृह्णाति, जैसे दीपावली आती है तो हम नए वस्त्र बनाते हैं, कोई उत्सव होता है, किसी की शादी होती है तो नए वस्त्र हम बनाते हैं, पुराने वस्त्रों को निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक सर्व सामान्य घटना जो हमारे जीवन में बनती है, वस्त्र पहनने की एक प्रणाली, तो पुराने वस्त्रों को निकालना, नए वस्त्रों को धारण करना, इस ढंग से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तथा, उसी तरह जितना सहज है वस्त्र को बदलना, उसी तरह तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। जीर्ण शरीर को छोड़ देना और नए शरीर को प्राप्त करना, समझो एक घर में से दूसरे घर में जाना। एक सामान्य दृष्टांत से सनातन सिद्धांत हमें भगवद गीता सिखाती है, विहाय और संयाति, छोड़ना है और प्राप्त करना है, वस्त्र को छोड़ना है और नए वस्त्र को लेना है, उसमें पहनने वाले को कुछ नहीं, वो तो वस्त्र की बात है। उसी ढंग से आत्मा, समझो वस्त्र धारण करने वाला है, और यह जो देह है, यह जो काया है, शरीर, वह उसका वस्त्र है। अभी इस शरीर को पहने हम बैठे हैं, आप लोगों की यह सब शरीर है, आप पहनकर बैठे हैं, बस उसका समय पूर्ण हो जाएगा, अन्यानि नवानि संयाति नरोपराणि, नए देह को प्राप्त करेगा। भगवद गीता एक वास्तविकता समझाती है, एक सनातन सिद्धांत है, ये कोई ऐसी ही बात नहीं, मनगढ़ंत बात नहीं, और इसको समझे बिना कोई रास्ता भी नहीं सुख के लिए, शांति के लिए। सब समझना पड़ेगा, इस जगत का स्वरूप भी समझना पड़ेगा, आत्म तत्व को भी समझना पड़ेगा, देह क्या है वह भी समझना पड़ेगा। वासाओं से जीर्णानि, एक वस्त्र का उदाहरण दिया। परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण ने भी इसी बात को एक अलग दृष्टांत से समझाया। उन्होंने वस्त्र के स्थान पर दर्जी और दर्जिन की बात की। जैसे हम किसी दर्जी के पास जाते हैं और नूतन वस्त्र बनाने के लिए कहते हैं, और वह दर्जी हमें बनाकर देता है, वस्त्र बनाकर देता है, हम पहनते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब हम नए वस्त्र को धारण करते हैं दर्जी के पास बनवाकर, क्या कोई व्यक्ति ऐसा कहता है उसे बनाए हुए वस्त्र को पहनकर कि यह दर्जी मेरा पिता है,
और जो दर्जन है वो मेरी माता है, क्या ऐसा कोई कहते हैं? नहीं कहते। उसी ढंग से इस आत्मा को एक वस्त्र बनाकर दिया भगवान ने, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असुजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च यात्मने कल्पनाय च। एक माता पिता के योग से, भगवान की इच्छा से, उनकी दया से यह एक शरीर मिला है। तो एक स्थूल जगत में माता पिता हमारे होते हैं, उनसे हमें शरीर की प्राप्ति हुई, आत्मा का जन्म नहीं। आत्मा तो निर्विकार है, अजन्मा है, उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होती है। श्रीमद् भगवद गीता ने यह समझाया कि देह और आत्मा भिन्न है। देह से यह मतलब समझिए, तीन देह की बात है। दूसरे अध्याय के आरंभ में हमने यह विचार किया था, इस आत्मा पर तीन देह हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल देह जो हमें दिखता है, फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म देह जो सटल बॉडी दिखता नहीं है, मन इत्यादि अंतःकरण, और कारण शरीर जो हमारी स्वभाव प्रकृति वासना दोष काम क्रोध लोभ मान ईर्ष्या इत्यादि। हमारी आत्मा इन तीनों शरीर से भिन्न है। मैं स्थूल शरीर से भी भिन्न हूं, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हूं, कारण शरीर से भी भिन्न हूं। स्पष्ट रूप से देह और आत्मा का विवेक होना चाहिए, तभी संसार के सुख दुख को हम सहन कर पाएंगे। यह जो आत्म विचार है अति उपयोगी विचार है। देखिए दिन में कितनी बार हम दुखी हो जाते हैं, कोई वस्तु की इच्छा होती है नहीं मिलती है, दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हम जैसा चाहते हैं नहीं करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हमें अपेक्षित कुछ मान मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलनी चाहिए, नहीं मिलती है, दुखी हो जाते हैं। दुख असंतोष सुनापन बहुत से प्रश्न हमारे जीवन में है। यदि इसमें से बाहर निकलना हो तो आत्मविचार एक उपयोगी साधन है। जैसे ही पता चलेगा कि ये मैं देह से भिन्न हूं, और देखिए जितने मेरे दुख हैं, मेरे प्रश्न, प्रायः ज्यादातर सभी प्रश्न देह भाव में हैं। मैं मेरी आत्मा को देह से भिन्न नहीं समझकर देह को ही आत्मा समझ लेता हूं, देहाभिमानी बन जाता हूं, तभी दुख होता है। कुछ व्यवस्था को लेकर दुख, मुझे व्यवस्था नहीं मिली, देह के विचार से व्यवस्था का विचार, मान अपमान देह के लिए तो होता है। आत्म विचार एक उपयोगी है, घर में भी शांति हो जाएगी। सब व्यक्ति आत्मविचार करे, प्रतिदिन करे। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी कहते थे आत्मविचार प्रतिदिन कीजिए। स्वामी जी एक बात बहुत हंसते हुए बताते थे, यदि कोई हमें कह दे, जब झगड़ा होता है तब अपशब्द भी बोल दे, कोई हमें कह दे कि तुम तो गधे जैसे हो, तो हमें गुस्सा आ जाता है। प्रमुख स्वामी जी कहते हैं जब कोई हमें ऐसे अपशब्द कहे कि आप तो गधे जैसे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तब सोचना मैं आत्मा हूं। देख लेना कि भाई गधे को चार पैर होते, मुझे कितने हैं। हंसते हंसते बात करते थे, लेकिन एक आत्म विचार समझाते थे। जब हम इस देह से आत्मा भिन्न है इस विचार का स्वीकार करते हैं, तो देह के दुख भी सहन कर सकेंगे, मन के दुख भी सहन कर सकेंगे। आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक जितने प्रश्न आते हैं उसमें एक सहायता मिलती है सहन करने में, आत्मविचार करने से। और यही हमारे भारतवर्ष की विशेषता है। हमारे शास्त्रों में आप सब पढ़िए, आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, हर जगह यह बात आती है, आत्मविचार आत्मतत्व आपनोति इति आत्मा सर्वत्र व्याप्त रहता है, शरीर में ऐसे तो हृदय में रहता है, ज्ञान शक्ति से सर्वत्र व्याप्त
सच्चिदानंद रूप आत्मा है। ऐसी अद्भुत बातें यहां की, यहां जो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, जैसे हमने बहुत पहले सुना था भगवद गीता के बारे में कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उपनिषद गाय समान है, सर्वोपनिषदो गावो, इस गाय समान उपनिषद का दोहन करने के लिए गोपाल नंदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, दुग्धा गोपाल नंदन। गाय के पास जैसे बछड़े लाने की एक प्रक्रिया भारतवर्ष में होती है, जब उसका दोहन करते हैं तो गाय को अपना बछड़ा प्यारा होता है, उसको देखने से उसको प्रस्रवण होता है, अपने आप दूध के बूंद निकलते हैं गाय के स्तन में से। तो पार्थो वत्स, यहां अर्जुन रूपी वत्स है, एक बछड़ा है, उपनिषद रूपी गाय, गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण दुग्धा उसका दोहन करने वाले, अर्जुन रूपी वत्स बछड़ा है, सुधी ही भोक्ता और जो बुद्धिशाली भक्त लोग हैं उसके भोक्ता है, दूध कौन सा है उपनिषद रूपी गायों का, दुग्धम गीतामृतम महत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूपी गायों का अमृतमय दूध है। हमने अभी कहा कठोपनिषद का मंत्र यहां दूसरे अध्याय में आत्मविचार में आता है, सांख्य ज्ञान में आता है। उसी तरह से कठोपनिषद में देह और आत्मा की भिन्नता को समझाते हुए एक उदाहरण दिया है, रथ रथी का रूपक। मंत्र के शब्द ऐसे है, ओम आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। अद्भुत शब्द है, आत्मानं रथिनं विद्धि, एक रथ रथी का उदाहरण। रथ में सवार रथी होता है, रथ का मालिक होता है। पूरा उदाहरण देखिए, रूपक कैसे समझाते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा तो रथी है, रथ का मालिक है, वो रथ नहीं है। आत्मानं रथिनं विद्धि, रथ कौन है, शरीरम रथमेव तु, यह शरीर व रथ है, आत्मा रथी है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, अब शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी है। कोई भी रथ चलाते हैं तो रथ में कितनी चीजें होती हैं, देखिए, एक रथ चलाने वाला, रथ में बैठने वाला, रथ स्वयं, घोड़े होते हैं उसको लगाम लगाई जाती है और रास्ते पर रथ चलता है। उपनिषद बहुत ठीक ढंग से यह जो पूरा शरीर है, पूरे शरीर में एक एक वस्तुओं का विवेचन विवेक करते हुए आत्मतत्व समझाती है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, आत्मा तो मालिक है और बुद्धि उसका सारथी है। बुद्धि जहां चाहती है वहां रथ घूमता है। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, प्रग्रह का मतलब है जो लगाम, जो दूरी बांध कर रखी है अश्वों के साथ। मनः प्रग्रहमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, घोड़े कौन है, अश्व कौन है। इंद्रियाणि हयान आहु, हमारी जो इंद्रियां है, पांच ज्ञान इंद्रिय जैसे नेत्र, कर्ण, त्वक, रसना इत्यादि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हाथ पैर इत्यादि हमारी कर्मेंद्रियां हैं, यह ज्ञानेंद्रिय और जो कर्मेंद्रिय है, इंद्रियाणि हयान आहु, यह अश्व स्वरूप है। आगे कहते हैं विषयांस्तेषु गोचरान, रास्ता कौन सा है, विषय, पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, यहां यह पांच विषय है। यह पांच विषय तत्तद इंद्रिय के है, जैसे शब्द एक विषय है,
तो कर्णेन्द्रिय से उसका ग्रहण होता है। स्पर्श एक विषय है, त्वग इंद्रिय से उसका ग्रहण होता है, ठंडी गर्मी इत्यादि। शब्द स्पर्श रूप यानी विविध प्रकार के वर्ण कलर्स हम देखते हैं, आकार देखते हैं, तो नेत्र से उसका ग्रहण होता है। शब्द स्पर्श रूप रस, षड रस कहते हैं, विविध प्रकार के मधुर रस है, कटु रस है, तिक्त रस है इत्यादि, रसनेन्द्रिय से ग्रहण करते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध सुरभि असुरभि इत्यादि गंध होती है, नासिका इंद्रिय से हम ग्रहण करते हैं। पंच विषय रूपी रास्ता है, इंद्रिय रूपी अश्व है, मन रूपी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है और आत्मानम रथिनम वित्ति। कोई व्यक्ति कठोपनिषद के इस मंत्र को ठीक से समझ ले, जीवन के जो प्रश्न है कम हो जाएंगे। हाँ, यदि साक्षात्कार हो जाए तो मिट जाएंगे, लेकिन केवल बाह्य रीति से थोड़ा सा ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो कम तो अवश्य हो जाएंगे। उपनिषद कहती है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुरु मनीषिणः। आत्मा इंद्रिय मन बुद्धि ये सबको मिलाकर फिर हम भोक्ता बनते हैं। सबको अलग अलग समझ कर रखिए, विषयों का स्वरूप क्या है, पंच विषय उसकी शक्ति क्या है। इन पंच विषय को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसको वश में कैसे किया जाए। अश्वों को ऐसे छोड़ देते तो रथ तो कहां पर भी चला जाएगा, लगाम भी ठीक नहीं रहेगी, रसना वो सूत्र ठीक नहीं रहेगा, दूरी ठीक से नहीं बांधेंगे तो भी नहीं चलेगा, सारथी भी ठीक होना चाहिए। हाँ, तो चलना तो आत्मा को है, बुद्धि तो सारथी है, उसको निर्णय नहीं करना है, वो तो एक साधन है, मालिक तो रथी आत्मा है। आत्मा का जो निर्णय है उसे मुक्ति पाना है, मुक्ति पाने के लिए बुद्धि मिली है, मुक्ति पाने के लिए मन है, मुक्ति पाने के लिए इंद्रियां हैं, जीवन मिला है, पंच विषय भगवान ने ये पूरे भोग हम प्राप्त कर सके ऐसी एक दुनिया बनाई है। तो आत्म तत्व को ठीक ढंग से समझिए, इन सब का नियामक आत्म तत्व है। भगवद गीता ने इस तरह से आत्मविचार को समझाते समझाते अर्जुन को एक बात स्पष्ट कर दी है, अर्जुन आपके मन में जो विचार आ रहे हैं न योत्से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप जो कर्तव्य से च्युत हो रहे हैं उसका एक कारण यह है, बहुत से कारण रहेंगे, एक कारण सांख्य ज्ञान की कमी, देहात्मवाद, मृत्यु तो देह की होती है आत्मा की नहीं होती है। अर्जुन इस बात को भलीभांति जान लो, इसे जानने से लाभ क्या होगा, कर्तव्य निष्ठ बनेंगे, जो हमें करना है, जो हमारे लिए नियतम कुरु कर्मत्वम, जो कर्म हमारे लिए नियत है अवश्य करना है, भगवान की इच्छा से करना है, लोक संग्रह के लिए करना है, यह सब शब्द श्रीमद् भगवद गीता के शब्द हैं। तो अर्जुन उसके लिए आत्म तत्व को जानना आवश्यक है। ऐसी अद्भुत बातें यहाँ भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और भी जो बातें बताई हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति 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 ही।